बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, ये देखें, ये हैं सारे ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने देसी घी के अंदर फ्राई करके और अब इन्हें कूटा जा रहा है सारे मेवाजात को, और ये ड्राई फ्रूट्स को हम इस शेप में ला के और फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। और ये देखें कि अलजन पंजीरी की जानिब से जो आप पंजीरी खाते हैं उसमें कितनी मेहनत की जाती है और हम इसको कितने प्यार से आपके लिए तैयार करते हैं और कितनी मेहनत से इसको जब ये कूटा जाता है, इसको कूटने में देखें कि कितनी मेहनत लगती है। ये आपके सामने है कि मैं इस टाइम इसे कूट रहा हूँ और ये सारी मेहनत मेरे हाथों से की गई होती है जो आप ये पंजीरी खा रहे होते हैं। और ये देखें कि हम इसे किस शेप में लेके आते हैं। ये देखें, ये हैं सारे ड्राई फ्रूट्स जिसमें बादाम, अखरोट, पिस्ते, ये सारा कुछ डाला जाता है और इसे हम कूटते हैं, फिर इसे कूट कूट के और फिर ये आपके लिए तैयार की जाती है। हम वो काम नहीं करते कि लोग जो हैं वो मिक्सीज में और ग्राइंडर्स में पीस के, तो उसका जायका ही ख़राब हो जाता है। जो आपने देखे होंगे कि हमारे घर के बुज़ुर्ग, पुराने बुज़ुर्ग जो बनाया करते थे, हमने उनकी ही उस सकाफत को मद्देनज़र रखते हुए इस काम को आगे लेके बढ़ रहे हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें काम में मेहनत करना सिखाया है, ना कि जो बदनीयती से जो काम किया जाए उसमें अल्लाह ताला बरकत नहीं डालते। ठीक है, तो ये आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि अलजन्नत पंजीरी किस तरह से तैयार होती है। जज़ाकल्लाह खैर।